इस वक्त मैं दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हूँ। सुबह तकरीबन 6 बजे यहाँ पर जिस तरह की वारदात हुई है उसके बाद पूरा इलाका दहशत में है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस भी दहशत में है। दरअसल सुबह के 6 बजे यहीं पर, जैसा कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, यहीं पर 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई है, लाठी डंडे चले हैं। दरअसल कुछ लड़के, जैसा कि सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है, इसी पार्क में मौजूद थे और कुछ लड़के, जहां इस वक्त मैं यहां पर खड़ा हूं, इस दुकान पर मौजूद है और अचानक से अंदर की तरफ से गोलियां तड़तड़ा कर चलने लगती हैं। सामने की तरफ जो दूसरा गुट था वो मौजूद था। पूरी ये जो वारदात हुई है किसी मर्ज पर हुई है। पार्क में जो लड़के मौजूद थे वो 3 से 4 लड़के थे और लगातार वो फायरिंग कर रहे थे। इस पूरी वारदात में तकरीबन 4 लड़कों को गोली लगी है, जिसमें 1 लड़के को मामूली रूप से गोली का छर्रा लगा है, बल्कि 3 लड़के जो है उनको एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। झगड़े के पीछे ये बताया जा रहा है कि काफ़ी दिनों से ये जो 2 गुट है इनके बीच लड़ाई चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ये सीसीटीवी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ से इस पार्क के चारों तरफ से ये इलाका पूरा घेरा हुआ है और इसी के अंदर पार्क में जो लड़के थे वो मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली के इन इलाकों में आखिर अवैध हथियार या लड़कों के पास हथियार आखिर आ कहाँ से रहे हैं? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। जो ये पूरा रिहायशी इलाका, इसी इलाके में लड़के रहते हैं और उनके पास 3 से 4 लड़के दनादन गोली चला रहे हैं, आखिर सवाल ये उठता है कि उनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं? और दूसरा सवाल यह कि दिल्ली पुलिस है कहाँ? वारदात के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एक दिल्ली पुलिस की पूरी बस है वो यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। पुलिस ने सीसीटीवी को अपने कब्जे में लिया हुआ है, इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन 15 अगस्त से पहले राजधानी के किसी इलाके में 3 से 4 नौजवान लड़के हाथों में बंदूक लेकर तड़ातड़ फायरिंग करते हैं तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है।